नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल सीहोर से। लॉकडाउन में सड़कें चौराहा सुनसान, बाजारों में सन्नाटा, प्रशासन को मिला जनता का सहयोग। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए 2 दिवसीय लॉकडाउन के दूसरे दिन भी मेडिकल स्टोर को छोड़कर बाजार बंद रहा। शहर की ज्यादातर सड़कें सुनसान रही, सिविल लाइन में ही कुछ लोग आते जाते दिखे। पुलिस ने भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया, घूमने वालों को नम्रता से समझाया। इस 2 दिवसीय लॉकडाउन के बारे में सीहोर एसपी एस एस चौहान ने क्या कहा सुप्रीम पावर न्यूज पर, देखिए। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए भोपाल सीहोर से पंकज पंजवानी की रिपोर्ट। सर, आज जो लॉकडाउन हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे 2 दिवसीय पर? देखिए दोस्त, अभी विगत 1 वर्ष से हम लगातार इस महामारी से जूझ रहे हैं और काम करते करते काम में परफेक्शन आता है और उसके ऊपर इतनी अच्छी मीडिया जो इस जिले की है, खास करके सीहोर कस्बे की, उसमें उसके सहयोग से हमने अपनी पुरानी गलतियों पे, त्रुटियों पे पार पाया और उसके अनुरूप नए तरीके से अपनी योजना बना करके लॉकडाउन को लागू करने का प्रयास किया। इसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रतिदिन अपने साथी कर्मचारियों को, आरक्षक प्रधानरक्षक और अन्य लोगों को बताई कि किसी भी तरह के लॉकडाउन को पालन कराने में दुर्व्यवहार या हाथापाई किसी भी सम्मानी नागरिक के साथ नहीं होनी चाहिए।